हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ प्रीति का एग्जाम टाइम रूटीन शेयर करूंगी कि वो वीकेंड पे और वीकडे पे क्या क्या करती है। जैसे वीकेंड पे वो हमारे साथ सोती है और वीकडे पे अपने रूम पे, ये वो काफी दिनों से फॉलो करती आ रही है, इवन एग्जाम के टाइम पे भी। दोस्तों, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जिसका ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है एज अ पेरेंट्स। तो आज मैं वही सब चीज़ों को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहली जो चीज़ मैं करती हूँ कि कृति का जो हेयर है उसमें मैं ऑयलिंग करती हूँ। आजकल समर भी है और साथ में एग्ज़ाम भी है, तो इसके लिए ऑयलिंग मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। और इससे क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा बहुत हेड मसाज मिलता है तो स्ट्रेस जो है कम होता है और पढ़ाई पर भी वो मन दे पाती है। और ये ना मतलब बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, मेरी मम्मी भी करती थी एग्ज़ाम के टाइम पे और थोड़ा बहुत हेयर ऑयलिंग करना और साथ में हेयर वॉश करना, ये सब तो मेरा भी ये मानना है। तो कृति के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ। और सेकेंडली जो चीज़ है वो है रेगुलर एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत मेडिटेशन। ये चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, एकाग्रता बढ़ाते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कृति योगा करती है, वो उसके क्लास में करती है और वीकेंड में घर पे वो प्रैक्टिस करती है। तो ये चीज़ पहले पहले तो कृति को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता था, बट अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। सो लास्ट ईयर जब उसने योगा क्लास ज्वाइन किया था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसके लिए उसने ज्वाइन किया था। बट अभी वो बोलती है कि मम्मा मुझे योगा क्लास में फिर से ज्वाइन करना है। सो ये सब चीज़ें ना ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत बच्चों के साथ अगर आप रह के बच्चों को इंटरेस्ट देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है उसकी स्टडी पे। और जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है हम दोनों ढेर सारे बातें करते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कोई भी रिलेशन पे कि आप बातें करें ढेर सारे और प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें एक दूसरे का। सो कृति के साथ मैं बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से टाइम स्पेंड करना। ज़्यादातर टाइम वीकेंड पे ही हम लोग इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। वीकडे पे उसका क्लासेस रहता है, स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो इतना टाइम तो हम लोगों को नहीं मिलता है। और मेरे घर के जो भी छोटे छोटे काम रहते हैं उस पर कृति मुझे हेल्प करती है। इवन ये एग्ज़ाम के टाइम पे भी होता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर टाइम पढ़ाई करके वो बोर ना हो जाए। छोटी छोटी चेंजेस, छोटी छोटी काम जो है वो उसको थोड़ा बहुत मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए हेल्प करेगा। प्रीति का ब्रेकफास्ट जो होता है वीकेंड पे और वीकडे पे डिफरेंट होता है। वीकेंड पे वो मिल्क लेती है और वीकडे पे वो मिल्क रोटी खाती है बनाना के साथ। और वीकेंड पे हम लोग जो भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं वही हम लोगों के साथ ही खाती है। बट वीकडे पे उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए उसको टाइम नहीं मिलता है हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने का। और जिस दिन उसका क्लास नहीं रहता है उस दिन वो घर पे 1 घंटा रिविज़न करती है अपनी पढ़ाई का। जब भी उसको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है वो गार्डन में आ जाती है। गार्डन में प्लांट्स को पानी देना उसको बहुत अच्छा लगता है, अपने पापा के साथ उसको ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये उसके एक रूटीन के अंदर ही आ गया है अभी।
और आजकल वो हफ्ते में 3 दिन अपना हेयर वॉश कर रही है, क्योंकि अभी समर भी स्टार्ट हो गया है। और मैं बोलती हूँ हेयर वॉश करके आप थोड़ा सा धूप में रहो, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम के लिए धूप में रहना पसंद नहीं है। सो बाकी जो भी उसका काम कर रहता है, थोड़ा सा स्किन केयर करना, क्रीम लगाना, सारा कुछ वो खुद ही कर लेती है। और ये चीज़ बच्चों को ना थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक होने पे भी बहुत हेल्प करता है। तो अपना जो भी काम रहता है वो खुद करती है। और कृति का ऑल टाइम फेवरेट है बालकनी में आके बैठना, और जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है वो आ जाती है, बैठती है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, लंच करने के बाद वो आ गई है। और इवनिंग का टाइम उसका फ्री टाइम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है वो है बाहर जाके खेलना, थोड़ा बहुत नीचे घूमना। बट ये चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। आई नो कि ये अगर होता तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता, बट ये चीज़ वो बहुत मिस कर रही है। रेडी हो जाती है फिर जाके वो बालकनी पे ही बैठती है, तो इस तरह से इवनिंग का टाइम वो स्पेंड करती है। और उसके बाद वो अपना स्टडी करती है। ये था कृति का फुल डे रूटीन, इस तरह से वो आजकल अपना दिन स्पेंड कर रही है, क्योंकि कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है एग्जाम और सारे बच्चों का एग्जाम आ रहा है। तो इसके लिए हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। तो आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, और एग्जाम के बाद खूब 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 सारी मस्ती कीजिए, है ना कृति के जैसा। हाँ कृति करने वाली है क्या मस्ती? और कृति भी एग्जाम के बाद मस्ती करेंगे। नो पढ़ाई। ओके, तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग ये पेंट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, कि हम लोगों को बहुत 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 ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। की बुक मार्क हर दिन खो जाती है। और देखो कृति ने आज मेरा वाला टी-शर्ट पहन लिया है, ये उसको बहुत अच्छा लग गया।